हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक जो है एयर स्प्रिंग है। एयर स्प्रिंग देख रहे हैं डिस्प्ले में, जो है रेड कलर का दिखा रहा है एयर स्प्रिंग है। एयर स्प्रिंग कुछ पार्ट देख लीजिए इसका। एयर स्प्रिंग में ये जो है आपका एयर स्प्रिंग है, इसको इंस्टॉलेशन लीवर बोलते हैं। और ये जो है आपका लेवलिंग वाल्व है। तो ये सब को हम लोग, ये एयर स्प्रिंग के पार्ट होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कि एयर स्प्रिंग आखिर होता क्या है। तो एयर स्प्रिंग आप देख रहे हैं कि ये रबड़ का बेलो होता है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ आप देखें एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग क्या है? तो एयर स्प्रिंग इज ए रबड़ बेलो। एयर स्प्रिंग जो है एक रबड़ बेलो होता है कंटेनिंग कंप्रेस एयर, जिसमें कंप्रेस एयर भरा होता है विथ इमरजेंसी रबर स्प्रिंग। मतलब एयर स्प्रिंग इज ए रबड़ बेलो कंटेनिंग प्रेशराइज कंप्रेस एयर विथ एन इमरजेंसी रबर स्प्रिंग प्रोवाइडिंग वेरियस सस्पेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट बफर हाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ लोडेड कंडीशन। मतलब क्या हुआ कि एयर स्प्रिंग जो है एक रबड़ का बिल्लो होता है, जिसमें जिसके अंदर जो है इमरजेंसी रबर स्प्रिंग होते हैं और कंप्रेस एयर उसमें भरा जाता है। अब ये बहुत सारे सस्पेंशन कैरेक्टरिस्टिक देता है, जो कि मेंटेन कॉन्स्टेंट बफर हाइट को मेंटेन करता है लोड के वेरिएशन पे। लोड या तो ज़्यादा लोड कोच पे हो या कम लोड हो, बफर हाइट कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसके बाद जो है पॉइंट है कि एयर स्प्रिंग का नेसेसिटी क्यों हुआ, क्यों इंडियन रेलवे में एयर स्प्रिंग लाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसका रीज़न यह है कि पसेंजर ट्रेन द नंबर ऑफ पसेंजर एंटरिंग टू कोच कैन नॉट बी कंट्रोल एंड हैंस पेलोड ऑफ कोच इंक्रीज फ्रॉम 8 टन टू 34 टन। इसका मतलब क्या है कि पैसेंजर ट्रेन में जो है आप नंबर ऑफ पैसेंजर के चढ़ना उतरना आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके कारण कोच का पेलोड जो है 18 टन से 34 टन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ पेलोड रिड्यूस द राइडिंग क्लियरेंस बिटवीन कोच एंड वे साइड प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो रिड्यूस द बफर हाइट रिजल्टिंग इन सर्व हीटिंग ऑफ कोच ऑन प्लेटफॉर्म। मतलब कि जो एबनॉर्मल पेलोड इंक्रीज हो गया कोच का, इसके कारण जो क्लियरेंस जो है कोच और प्लेटफॉर्म के बीच का जो क्लियरेंस है वो रिड्यूस कम हो जाता है और बफर हाइट भी रिड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होता है कोच जो है प्लेटफॉर्म में हीट कर जाता है, रगड़ाने लगता है, टक्कर खाने लगता है कोच प्लेटफॉर्म से। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑन एयर सस्पेंशन इज इंट्रोड्यूस इन द सेकेंडरी सस्पेंशन टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बफर हाइट इन रिस्पेक्टिव ऑफ लोड कंडीशन बाई वेरिंग द प्रेजेंस ऑफ एयर इन साइड द एयर। तो यही जो प्रॉब्लम हो रहा था, ऊपर जो दो प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, यही प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग को एयर स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जी? तो वर्किंग प्रिंसिपल यह है कि लोड जब चेंज होता है तो एयर स्प्रिंग जो है इनिशियली रिएक्ट करता है कैसे, एयर स्प्रिंग सपोर्ट एंड कोच बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो चेंज होता है। तो जब दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो जो लेवलिंग वाल्व होता है वो आप एक्चुएट हो जाएगा। तो एक्चुएट होगा तो आइदर बाई टेकिंग द कंप्रेस एयर टू द एयर स्प्रिंग और रिलीज एयर प्रेशर फ्रॉम इट टू एटमोसफेयर। यानी कि अगर लोड बढ़ेगा तो लेवलिंग वाल्व क्या करेगा कि मेन रिजर्वायर से जो कंप्रेस एयर को एयर स्प्रिंग में भेजेगा। अगर लोड घट गया तो क्या करेगा, एयर स्प्रिंग से कंप्रेस एयर को एटमोसफेयर में रिलीज कर देगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द रिक्वायर हाइट इज मेंटेन। ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि इनिशियल हाइट जो एयर स्प्रिंग का है वो मेंटेन ना हो जाए। अब आइए
मेन पार्ट ऑफ एयर स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग के मेन पार्ट जो है क्या है। तो मेन पार्ट अगर बारे में जानना चाहें तो ये देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम से जो है आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। डायग्राम पहले समझ लीजिए, होता क्या है कि फीट पाइप से मेन रिजर वायर में प्रेशर आता है थ्रू आइसोलेटिंग कॉप, डर्ट कलेक्टर होते हैं और NRP होता है। तो मेन रिजर्वायर में आ गया, फिर मेन रिजर्वायर से दोनों बोगी में आपका कनेक्शन जाएगा, दोनों बोगी में एक आइसोलेटिंग कॉक लग गया। तो फर्स्ट बोगी हम लोग जो है, ये बोगी पहला बोगी है, दूसरा बोगी है। तो फर्स्ट बोगी में देखिए यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉक है और ये है लेवलिंग वाल्व। लेवलिंग वाल्व से होते हुए एयर स्प्रिंग में गया, एयर स्प्रिंग के साथ AR कनेक्ट होता है और दो एयर स्प्रिंग के बीच में ये जो है डुप्लेक्स वाल्व है, इसको डबल चेक वाल्व भी बोलते हैं। तो ये जो है पार्ट हो गए। तो हम लोग बोलेंगे मेन पार्ट क्या होगा, तो मेन पार्ट जो मेन रिजर्वायर ईच कोच अगर बात करें तो मेन रिजर्वायर यहाँ पे जो है, वन सेकेंड, अगर मेन रिजर्वायर के बारे में बात करें तो मेन रिजर्वायर एक हो गया और बोगी आइसोलेटिंग कॉक बोले तो एक ए और एक ए दो हो गया, और एयर स्प्रिंग बोले तो चार हो जाएंगे, एक दो तीन चार। डुप्लेक्स चेयर वाल्व बोलेंगे तो डुप्लेक्स चेयर एक और दो दो हो जाएगा। लेवलिंग वाल्व बोलेंगे तो एक दो तीन चार चार हो जाएगा। AR बोलेंगे तो ईच एयर स्प्रिंग AR रखा है तो इसका भी एक दो तीन चार चार हो जाएंगे। और आइसोलेटिंग को एयर सस्पेंस आइसोलेटिंग को क्या, देखिए एक है NRV, एक है डट कलेक्टर, एक है। तो यही सब जो है इसके पार्ट्स हैं, तो यही पार्ट्स वहाँ पे लिखा हुआ था। जैसे देखिए मेन पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग, जैसे एयर स्प्रिंग भी पता है पर कोच फोर है, लेवलिंग वाल्व चार हो जाएंगे, डुप्लेक्स चेक वाल्व दो, ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार, बोगी सस्पेंशन आइसोलेटिंग को दो, नॉन इंटरनल वाल्व में एक, कोच सस्पेंशन आइसोलेटिंग को एक, MR1 अभी देख लिए हम लोग। अब देखिए MR क्या है, तो MR 150 लीटर का एक MR रहता है जो कि एयर स्प्रिंग एयर स्प्रिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है टू स्टोर कंप्रेस एयर फ्रॉम FP थ्रू आइसोलेटिंग कॉक, डट कलेक्टर एंड NRV के थ्रू इसमें जो FP से कंप्रेस एयर स्टोर होते हैं। लेवलिंग वाल्व क्या है, तो एक लेवलिंग वाल्व एक एयर स्प्रिंग के लिए एक लेवलिंग वाल्व होता है, वन लेवलिंग वाल्व फॉर ईच स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड। मेन फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन टू कंट्रोल फ्लो ऑफ कंप्रेस एयर टू एयर स्प्रिंग ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। मतलब कि जो है लेवल वाल्व क्या करता है कि जब एयर स्प्रिंग में एयर कंप्रेस एयर को MR से लेके एयर स्प्रिंग को भेजता है लोडिंग के केस में, लोडिंग के केस में जो है एयर स्प्रिंग से कंप्रेस एयर को एटमोसफियर में रिलीज करता है। ये लेवलिंग इस लेवल वाल्व का जो है वर्किंग है, इसके साथ वन इंस्टॉलेटिंग वाल्व भी आल्सो अटैच भी थी, एक इंस्टॉलेटिंग लीवर भी इसमें लग रहा था, DC भी क्या, डबल चेक वाल्व, और इसको हम लोग डुप्लेक्स वाल्व भी बोलते हैं। तो वन डुप्लेक्स चेक वाल्व इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू स्प्रिंग ऑफ द सेम बोगी। अभी देखे थे कि दो स्प्रिंग के बीच में वन डुप्लेक्स चेक वाल्व रहता है। इट स्टार्ट, ये फंक्शन में कब आएगा, जबकि इट स्टार्ट फंक्शनिंग व्हेन डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर बिटवीन टू एयर स्प्रिंग ऑन द सेम बोगी गोज बियॉन्ड 1.5 kg/cm एंड ट्रांसफर एयर फ्रॉम वन स्प्रिंग टू अनदर। ये जो DCV है, डबल चेक वाल्व है, ये फंक्शन स्टार्ट तब करेगा जब एयर स्प्रिंग दो एयर स्प्रिंग के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है 1.5 kg/cm² से ज़्यादा हो जाता है, तब ये फंक्शन में आएगा। अगर
विद इन द रेंज रहेगा 1.5 kg/cm² से अगर प्रेशर डिफरेंस कम रहेगा तो डी से भी जो है ऑपरेट नहीं होगा। एआर ईच एयर स्प्रिंग हैविंग 1 AR, एआर देने के पीछे का रीजन यही है कि ये इफेक्टिव एरिया ऑफ स्प्रिंग को इंक्रीज कर देता है बस। और इंस्टॉलेटिंग लीवर के बारे में भी, इंस्टॉलेशन लीवर जो है ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है इंस्टॉलेशन लीवर है, तो इंस्टॉलिंग लीवर जो है किसके किसके बीच में फिट होता है, लेवलिंग बल्ब, आपका लेवलिंग बल्ब हो गया, नीचे में जो है आपका ये बोगी फ्रेम होता है, तो वो दोनों के बीच में फिट होता है। मेन फंक्शन इसका क्या है, मेन फंक्शन जो है इसका मेन फंक्शन के बारे में जानना है तो द फंक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन लीवर इज टू ऑपरेट द लेवलिंग बल्ब ऑटोमेटिकली बाई मूविंग हैंडल ऑफ लेवलिंग बल्ब अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ लोड। द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ हैंडल ऑफ लेवलिंग बल्ब एडमिट्स द कंप्रेस एयर इन टू द एयर स्प्रिंग और रिलीज द कंप्रेस एयर फ्रॉम द स्प्रिंग थ्रू लेवलिंग बल्ब इन प्रपोर्शन टू द पे लोड ऑफ द कोच। मतलब कि इसका मेन काम ये है कि जो लेवलिंग बल्ब का हैंडल होता है उसको अप एंड डाउन करता है। अप एंड डाउन करने से क्या है, अप एंड डाउन करने से कंप्रेस एयर स्प्रिंग में जाएगा या तो कंप्रेस एयर एयर स्प्रिंग से रिलीज होता है। ये जो डीसीबी जो डबल चेक वाल्व है उसको जो है और डिस्क्राइब किया हुआ है कि इट इज द डबल चेक वाल्व प्रोवाइड बिटवीन द टू एयर स्प्रिंग ऑफ सेम बॉगी, इट ऑपरेट विद द प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1.5 bar। ये तो पॉइंट क्लियर है। बेसिकली इट कंप्राइज ऑफ टू चेक वाल्व साइड बाय साइड अरेंज सो दैट एयर कैन फ्लो इन आइदर डायरेक्शन वेन एवर एयर डिफरेंस बियॉन्ड एक्सीड द 1.5। मतलब कि जो डबल चेक वाल्व होता है इसमें दो चेक वाल्व होते हैं साइड बाय साइड लगा हुआ, इस तरह से अरेंज होता है कि जो एयर जो है दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सके जब प्रेशर डिफरेंस 1.5 bar से ज़्यादा हो जाएगा। वेन एवर द बस्ट ऑफ स्प्रिंग ऑकर ऑन वन साइड दिस वाल्व बीन इंश्योर डैट नो सर्व टिल और ट्विस्ट ऑकर ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ कोच। मतलब कि जब एक साइड का एयर स्प्रिंग आपका ब्रस्ट हो जाएगा तो ये इंश्योर करता है कि जो कोच है वो टिल्ट या ट्विस्ट नहीं होगा। बोथ चेक वाल्व और डुप्लेक्स वाल्व रिमेंस क्लोज इफ द प्रेशर बिटवीन द टू स्प्रिंग विद इन 1.5 bar। अगर प्रेशर डिफरेंस 1.5 bar से कम रहेगा तो डबल चेक वाल्व क्लोज रहेगा। इन केस ऑफ बस्टिंग ऑफ एयर स्प्रिंग द एयर लीक टू एटमोसफेयर ड्यू टू हाई प्रेशर डिफरेंस द डुप्लेक्स चेक वाल्व रीच द एयर फ्रॉम द इनटेक एयर स्प्रिंग थ्रू बस्ट एयर स्प्रिंग दस कंप्लीट कोच विल ग्रेजुअली कम डाउन एंड रेस्ट ऑन द इमरजेंसी रबर स्प्रिंग। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर एक एयर स्प्रिंग बस्ट कर जाता है, एयर लीकेज एटमोसफेयर में होता है तो हाई प्रेशर डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, तो डुप्लेक्स चेक वाल्व जो है आपका ऑपरेट हो जाएगा। अब एयर जो इनटेक एयर स्प्रिंग है जिसमें एयर है वो बस्ट स्प्रिंग के थ्रू उसका एयर रिलीज हो जाएगा एंड धीरे धीरे करके जो है कोच इमरजेंसी रबर स्प्रिंग पे कम डाउन जाके बैठ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एयर सस्पेंशन सिस्टम, एयर सस्पेंशन सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है, तो फर्स्ट एडवांटेज तो कि फ्लोर हाइट ऑफ कोच, कांस्टेंट फ्लोर हाइट ऑफ कोच मेंटेन करता है, टू मेंटेन कांस्टेंट फ्लोर हाइट ऑफ कोच एंड कैपेबल टू सस्टेन सुपर डेंस क्रस लोड ऑफ सब मेरिन ट्रैफिक एट हाई स्पीड। क्लियर है। टू फैसिलिट एक्सीलेंट राइडिंग कम्फर्ट विथ राइडिंग इंडेक्स ऑफ 2.5 ड्यू टू एक्सीलेंट एयर डंपिंग एंड और इसका एडवांटेज है कि कॉयल स्प्रिंग लिंक एंड इक्वलाइजिंग स्टेप एलिमेंट एलिमिनेट करने से देयर इजी टू मेंटेन, इसको अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए आसानी हो जाता है। हम बात करते हैं कि टेस्टिंग, इसका टेस्टिंग हम लोग करते कैसे हैं, फिक्सिंग क्या है इसका। टेस्टिंग का इसका है कि
कीप द कोच ऑन द लेवल ट्रैक, लेवल ट्रैक पर कोच को रखते हैं। कनेक्ट द प्रेशर गैस टू ड्रेन प्लग ऑफ रिजर्वायर इन बोगी ऑफ कोच। प्रेशर गैस को हम लोग रिजर्वायर के जो आपका ड्रेन प्लग है उसमें प्रेशर गैस लगा देते हैं। एडजस्ट द लेंथ ऑफ ऑल इंस्टॉलेशन लीवर एज पर रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट देम टू लीवर ऑफ लेवलिंग वाल्व। इंस्टॉलेशन लीवर के लेंथ को जो हम लोग एडजस्ट करते हैं। सिंपली सप्लाई कंप्रेस एयर टू बोगी, फिर कंप्रेसर को सप्लाई करेंगे। एडजस्ट द डिजाइन हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग टू 294 प्लस 0-5 mm बाई ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ इंस्टॉलेशन लीवर इन सर्वे। उसके बाद जो है एयर स्प्रिंग हाइट को एडजस्ट करेंगे। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है 294 प्लस 0-5 mm होता है। कैसे एडजस्ट करेंगे इंस्टॉलेशन लीवर के लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम लोग सर्विस में इसका जो है एडजस्ट करते हैं। अगर एयर स्प्रिंग, ये देखिए यही एयर स्प्रिंग है और ये हम फर्स्ट में ही बता दिए कि एयर स्प्रिंग है। ये आपका लेवलिंग वाल्व है, हॉरिजॉन्टल लीवर हो गया, इंस्टॉलेशन लीवर है, इंस्टॉलेशन लिंक बोलिए, लीवर बोलिए। ये देखिए रबड़ बेलो, यही आपका रबड़ बेलो है, लेवलिंग वाल्व, आइसोलेटिंग कॉक होता है, मैनेजर 150 लीटर का है ये। ये देखिए आइसोलेटिंग कॉक, डट कलेक्टर, यहाँ पे जो NRB है, ये देखिए NRB। एयर स्प्रिंग का कुछ स्पेसिफिकेशन है। मिनिमम टेयर लोड जो है इसका 50 किलो न्यूटन होता है, मैक्सिमम ग्रॉस लोड 140 किलो न्यूटन। ये हाइब्रिड कोच के केस में होता है, और अगर डेमो रहता तो 180 किलो न्यूटन ग्रॉस लोड हो जाता है। LSP के केस में 120 किलो न्यूटन होता है। अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो प्लस माइनस 30 होता है, लेटरल डिफ्लेक्शन अगर खुलेगा तो प्लस माइनस 60 mm होता है, कहीं कहीं 80 mm भी दिए रहते हैं। हाइट ड्यूरिन स्टैंडर्ड हाइट बता दिए 294 प्लस 0-5 mm होते हैं। ये स्पेसिफिकेशन है एयर स्प्रिंग का। और आपको वन सेकेंड, इसमें जो है जो AR होता है तो AR का अलग अलग जो है कैपेसिटी है। अगर डेमो रहेगा तो 20 लीटर का रहेगा, हाइब्रिड कोच रहेगा तो 40 लीटर का रहेगा, और LSB कोच रहेगा तो 60 लीटर का AR रहेगा। और AR जो है अगर LSB कोच है तो बोलस्टर के डोम के अंदर आपको रहेगा, और अगर हाइब्रिड कोच है तो बाहर में AR आपको दिखेगा। अब जो है टेस्टिंग का जो है वीडियो दिखाते हैं, और इससे जो है और टेस्टिंग जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं। जस्ट वन सेकेंड, ये देख लीजिए। आपका जो है प्रेशर गेज ड्रेन प्लग में लगा रहे हैं, लगा दिए। अब इंस्टॉलेशन लीवर का जो है कैसे एडजस्ट करेंगे। ये देख रहे हैं इंस्टॉलेशन लीवर को एडजस्ट किया जा रहा है। हाइट देखिए गेज होता है, हाइट देखिए परफेक्ट है। हाइट ऐसे हम लोग मेजर करते हैं, अगर ये हाइट डिफरेंस रहता तो इंस्टॉलेशन लीवर के इसके हाइट से जो है इसको हम लोग एडजस्ट करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो बस इतना ही।
आई थिंक ये सस्पेंशन सिस्टम क्लियर हो जाएगा। इस पर शॉर्ट नोट्स आएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, इस पर एग्जाम परस्पेक्टिव से शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं, और नॉलेज परस्पेक्टिव से भी क्लियर हो गया सब। थैंक यू।